आपने जो बनाया, अगर गोल को आपने अचीव कर लिया, दैट सक्सेस। और गोल हमारा अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना होगा। अकॉर्डिंग टू मी अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो हमें गोल सेट करने के लिए पहले प्लान बनाना होगा, और प्लान बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें ऑपरेट करनी होगी। Yes, that's right. Having a goal is very important really for any person, and after that if we don't take that into action, it really becomes useless, as you said. Well, what do you think are the top 3 skills required to be an entrepreneur? Yes ma'am, top 3 skills ki agar main baat karu to ma'am aapko team building skill aani chahiye, first thing. Second thing, aap apni baat ko rakh sake, aapki baat samne wala samajh sake. According to me, language doesn't matter. आप अपनी बात को कन्वे कर सके। अगर अभी मैं बात करूं तो हो सकता है हमारे और वर्षा मैडम के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा हो। आई एम टॉकिंग इन हिंदी, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, बट हम लोग क्या है कि हम लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो दैट्स मेन स्किल कि आप अपनी बात को कन्वे कर सके। तो पहली स्किल ये है कि आप अपनी बात को रख सकें, आपकी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग है कि आप एक आपके अंदर फेलियर को सहने की क्षमता होनी चाहिए। ये तीन स्किल्स अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही जरूरी हैं, बिकॉज कभी कभी होता है क्या कि हम फेलियर को सहने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती, और हम बहुत कुछ सोच के अपना वेंचर शुरू करते हैं, और होता है क्या कि हो सकता है या तो हमें लॉस हो जाता है या हम हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो पाती। तो बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, वो फिर दोबारा खड़े नहीं हो पाते। सो फर्स्ट थिंग है कि हमें कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना होगा, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए टीम बिल्डिंग की, एंड थर्ड थिंग कि हमें फेलियर को सहने की क्षमता आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये तीन स्किल है जो एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को जरूरी होती है।